बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड में पूर्व कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश पार्टी प्रमुख महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में कांग्रेस को ऐसे झटके लग रहे हैं जहां पर उनके विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसी कड़ी में मनीष खंडूरी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पूर्व कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी कमल का हाथ थामते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस के हाथ को छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। जहां बीजेपी इस बार 400 पार का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी खुद अपनी ही पार्टी को जोड़ कर रखने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में उनके विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और अब उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पूर्व कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के विधायक इस तरह से कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी को चुन रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बुरी खबर की तरह ये सामने आ रही है। झटके पर झटका कांग्रेस को लगातार लगता जा रहा है, वहीं बीजेपी 400 पार का दम भरती हुई नजर आ रही है और निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी उनको मिल रहा है। मनीष खंडूरी कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, आम जनमानस पर उनकी काफ़ी पकड़ रही है और ऐसे नेता का आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस की नींव कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में मनीष खंडूरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लोकप्रिय नेता मनीष खंडूरी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कई विधायक इस तरह से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं 400 पार का दम भर रही बीजेपी निश्चित ही प्रोत्साहित महसूस कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कई राज्यों में कांग्रेस के विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में कांग्रेस के लोकप्रिय नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विपिन नेगी जुड़ गए हैं। विपिन, उत्तराखंड में बड़ा चेहरा माने जाते हैं मनीष खंडूरी कांग्रेस के लिए और अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी अपनी ही पार्टी को जोड़कर रखने में असफल नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल शिवानी, जिस तरह
बात करें मनीष खंडूरी की, मनीष खंडूरी एक बहुत बड़ा चेहरा है क्योंकि उनके पीछे उनके पिताजी जो भुवन सिंह खंडूरी हैं वो पुराने पुराने जो है नेता भी हैं बीजेपी के और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। इनकी जिस तरह से खंडूरी परिवार के जो ये मनीष खंडूरी हैं इनका एक तरह से कांग्रेस में काफी समय से बड़े नेताओं में नाम रहा है और अचानक एकदम से जो फेरबदल हुआ है, कुछ दिनों से सिलसिला चलता रहा था कि मनीष खंडूरी जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री की बात करें या तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है महेंद्र भट्ट वगैरह या तमाम जो बड़े नेता है सबके बीच में जाकर जो है आज बीजेपी ज्वाइन कर ली बीजेपी कार्यालय में, ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ती चली जा रही है। जिस तरह के हालात अभी कांग्रेस के इस पूरे प्रदेश में बने हुए हैं, अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा लोकसभा से पहले चुनाव में सामने नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस के पास जो एक बड़े चेहरा के बेस पे जो है कांग्रेस चुनाव लड़ सके। जी तो विपिन, क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े चेहरे भी कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि उत्तराखंड में कांग्रेस की जो नींव है वो लगातार कमजोर पड़ती ही चली जा रही है और बीजेपी उत्तराखंड में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए शिवानी, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है काफी समय से सभी पार्टी अपनी ओर से जो है पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि ऐसा है, कांग्रेस कमजोर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सत्ता है, ये राजनीति है, कब क्या फेरबदल हो जाए कुछ नहीं मालूम है। पर जो अभी हालात जो सामने समीकरण नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं का एक बड़ा कुछ भी प्रलोभन कह लो या फिर किस तरह से पार्टी अपनी ओर से अब ये कांग्रेस के जो विधायक हैं या बड़े बड़े जो नेता हैं इनको अपनी पार्टी में शामिल करना कह लो, तो लगातार जो है अब ये बड़े कांग्रेस के चेहरे जिस तरह से लगातार अभी चर्चाओं में आ रहे हैं कि आज उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज उस कांग्रेस के चेहरे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इससे कांग्रेस जो है कमजोर बड़ी पड़ती नजर आ रही है। पर ये राजनीति है और शिवानी कुछ नहीं पता चलता राजनीति के समीकरण कब क्या बदल जाए। हालांकि फिलहाल जो प्रदेश के हालात नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की और लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल सामने सफलता नजर आ रही थी। बिल्कुल, तो राजनीति है शतरंज की तरह, नहीं पता कि कौन सा प्यादा कब किस करवट बैठेगा, लेकिन जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कांग्रेस में दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि बीजेपी तो 400 पार का दम भर ही रही है, कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि 5 गारंटी को लेकर के इस बार वो युवाओं के बीच में जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए, 5 गारंटी वो लेकर के आ रही है, रोजगार की बात कांग्रेस कर रही है, बिना नकल परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट हो जाते हैं उस पर रोकथाम करने की बात कांग्रेस कह रही है। तो कांग्रेस भी लगातार अपनी कमर को कसकर जब चुनावी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार है, तो कारण क्या है कि उनके खुद के नेता और विधायक उनके इन एजेंडों में क्या भरोसा नहीं कर पा रहे, ये समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शिवानी, बात करें सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बात आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात उत्तराखंड में एक विशेष बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी कोई सत्ता यहां पर सामने नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी में जो है अब बीजेपी का जो एक पूरे दुर्गम क्षेत्र या पूरे पहाड़ के क्षेत्र में अगर कहें तो बीजेपी की पकड़ प्रॉपर नहीं है। पर अगर जो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जिस तरह से वहां के एक मुद्दों को लेकर जो है सामने आना चाहती है, बड़ी बड़ी बातें जो बीजेपी ने करी थी और वो जो पूरी नहीं कर पाई उन मुद्दों को लेकर सामने आना चाहती है, जनता की हितों की बात लेकर जनता के सामने कांग्रेस सामने आना चाहती है, तो इसका लेकर कहीं ना कहीं जो है शिवानी अभी कुछ भी समीकरण ऐसा नहीं बन रहा है कि मतलब बीजेपी को लोकसभा में कितनी जीत मिलती है या कांग्रेस को कितनी हार मिलेगी या जीत मिलेगी, तो ये देखने वाला समीकरण एक समय पे रहेगा कि आखिर, क्योंकि बीजेपी भी अपनी जगह काम कर रही है धरातल पर और कांग्रेस भी अपनी ओर से जो है धरातल पर काम कर रही है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातों को इतनी अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज प्रचार वाहन को रवाना कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने भाजपा महानगर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं
चुनाव से आम लोग रूबरू हो सकेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष श्री नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी सहित अन्य विधायक, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। भाजपा का कहना है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, इसका आम लोगों को फायदा मिल सके, इसीलिए प्रचार वाहन को रवाना किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 5 गारंटी पूरी करेगी। पहली गारंटी, युवाओं को नौकरी। 30 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी देगी कांग्रेस। पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस द्वारा 5,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की गारंटी समेत 5 गारंटी को लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की गई। देखिए, ये इस बात का उत्तर मनीष खंडूरी दे सकते हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हों, बहन विधायक हों और विधानसभा की अध्यक्ष हों, ऐसे व्यक्ति को इतना मान कि आते ही पार्टी में आपने उसको गढ़वाल सीट का प्रत्याशी बनाया। उनको हमारा जो प्रोफेशनल कांग्रेस है दिल्ली में, उसके 5 बहुत महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, उसमें से उनको सदस्य बनाने का काम किया। राहुल, हिमाचल में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आज चार्टर्ड प्लेन से 9 से 10 लोगों का दल ऋषिकेश पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ बीजेपी का एक नेता भी है। खबर है कि सभी विधायक ऋषिकेश के ताज होटल में रुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी शनिवार को देवाल पहुंचे, जहां उन्होंने देवाल कोथिंग में शिरकत की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं देवाल कोथिंग के दूसरे दिन का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित करके किया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने देवाल कोथिंग के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मेले हमारी संस्कृति को सहेजे हुए हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि देवाल से उनका पुराना नाता है और थराली विधानसभा के लोगों से आत्मीय रिश्ता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड के रूप में देखना चाहते हैं और अपने इस विजन को लेकर वो दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा बहुमत से जीतने जा रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जिन्होंने 60 साल देश पर राज किया, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनके परिजनों के साथ धरने पर बैठे आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर यूथ कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। उन्होंने अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाने तथा बेटी को न्याय देने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। गोकुल सिंह परिहार ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीआईपी का नाम उजागर हुआ, उसे बचाने में सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे आशुतोष को गिरफ्तार कर सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है। ये लोकतांत्रिक हत्या के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने गिरफ्तार नेगी को रिहा करने और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला भी दहन किया। देहरादून में निर्माणाधीन सिटी फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने 225 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी भी मौजूद रहे। देखिए, आप जानते हो हमने एक सिद्धांत बनाया है कि जो योजनाएं हम लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका आज
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर। हल्द्वानी में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि आज जिस प्रकार से भाजपा युवाओं के साथ हमेशा चलाव किया है और जो भी युवाओं के साथ घोषणा की है उसको कभी पूरा नहीं किया गया, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, 15 लाख खाते में डालने की बात हो या अन्य कोई घोषणा जो भाजपा ने की है उसे कभी पूरा नहीं किया। इसी के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने युवाओं के लिए घोषणा की है कि यदि सरकार हमारी बनेगी तो हम युवाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जो कि सरकार बनते ही तत्काल उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा, युवाओं के रोजगार के लिए उनका ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा, विरोध कानून सख्त बनाया जाएगा जिससे नकल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अन्य योजनाएं भी हैं जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगर सरकार बनेगी तो कांग्रेस उसे इन सभी घोषणाओं के साथ जल्द पूरा करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के द्वारा देश के युवाओं को भरोसा दिया गया है कि जिसे कहते हैं कि एक रोजगार की बात कही गई है जिसके अंदर हम लोगों ने 5 उनसे वादे किए हैं, जिसमें एक भर्ती योजना है। भर्ती योजना के अंतर्गत जो देश भर में आज सरकारी संस्थानों में, सरकारी विभागों में जो 30 लाख सरकारी खाली पड़े पद हैं उन पदों को भरने की बात उसमें कही गई है और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी जो 30 लाख सरकारी पद हैं उनको तुरंत जो बेरोजगार हमारे युवा हैं उनको उसमें भर्ती किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने तहसील सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में उपस्थित हुए सभी दलों के प्रतिनिधियों को आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों एवं कायदों से उन्हें अवगत कराया गया। साथ ही सभी प्रतिनिधियों को बूथ लिस्ट, निर्वाचन प्रक्रिया, रैली के लिए उपलब्ध होने वाली मैदान और हेलीपैडों की लिस्ट एवं ऑनलाइन निर्वाचन से संबंधित जानकारी से भी अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए उनके सुझाव और राय भी लिए गए। जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके साथ हमारी आज मीटिंग हुई क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है, लिहाजा हमने सब राजनीतिक दलों को बताया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नोटिफिकेशन हो जाएगा वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को और आम जनता को जो जो भी डूज डॉन्ट्स है उसके बारे में हमें बताया गया और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होगी उससे उन्हें अवगत कराते रहेंगे हम। हिमाचल के बागी विधायकों के उत्तराखंड पहुंचने की खबर है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक समेत 11 विधायक उत्तराखंड में बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक शुक्रवार को चार्टर्ड प्लेन से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे थे जहां से ऋषिकेश की ओर गए। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर आगे एक बड़े नामी होटल में ये ठहरे हुए हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और 6 और 3 विधायकों की बगावत के बाद हिमाचल की राजनीति में हलचल बनी हुई है। वही कांग्रेस ने भाजपा को सरकारें गिराने वाला कुख्यात बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब तक 9 राज्यों की सरकारों को गिराने का काम किया गया है। वीकेंड की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सरोवर नगरी नैनीताल समेत उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों पर्यटक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटक नैनीताल के 12 पत्थर की खूबसूरत वादियों में घुड़सवारी का आनंद उठाने के साथ ही लवर्स पॉइंट की चोटियों में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। यहां पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो नैनीताल की ठंडी हवाओं और आनंद लेने के साथ ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आए हैं। पर्यटकों को नैनीताल का मौसम खूब भा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से सरोवर नगरी के नाम से मशहूर नैनीताल और आसपास के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी शुरू हो गई है। यहाँ का कुल मौसम पर्यटकों को सुकून की अनुभूति दे रहा है। ये बड़ी संख्या में घुड़सवारी करने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है।
आपको बता दें कि नैनीताल में पर्यटक घुड़सवारी का लुफ्त उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में पर्यटक नैनीताल की तरफ पहुंच रहे हैं। ना केवल घुड़सवारी बल्कि अन्य एक्टिविटीज का भी आनंद लेते हुए भारी संख्या में पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। लवर्स पॉइंट पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से वहां पर्यटन व्यवसाय चूंकि खूब फल फूल रहा है, इसलिए व्यवसायों में भी खूब खुशी की लहर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।